हेलो, कैसे हो आप सब? मेरा बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आया. मतलब मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, डेली व्लॉग डालती हूँ, लेकिन 3 4 दिन या उससे ज़्यादा हो गए तो मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी. बहुत ख़राब थी मेरी तबीयत. मतलब मन ही नहीं करता. जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो आपका मन नहीं करता कुछ भी करने का. मन अच्छा होता है तो आपका सब चीज़ करने का मन भी करता है. तो आज थोड़ी सी बेटर फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी. तो इतने मैं बस जो भी मेरे यूट्यूब पे मेरी अच्छी अच्छी फ्रेंड बनी है उन्हीं की वीडियो देख लेती हूँ और कमेंट कर रही थी. तो मैं बहुत सी वीडियो मेरे आगे ऐसी आई कि मतलब मैं सबकी वीडियो देखती हूँ. जिसकी वीडियो भी मुझे अच्छी लगती है मैं लाइक कमेंट ज़रूर करती हूँ, पूरी वॉच करती हूँ. तो मैं देख रही थी बहुत से लोगों ने अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है कि उनको कितना कितना प्रेगनेंसी में दिक्कतें आई हैं, और अगर वो बहुत टाइम बाद प्रेग्नेंट हुई हैं, फिर उनका कुछ भी ऐसा हो गया और वो मिसकैरेज हो गया है. तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ. मेरी शादी जून में हुई थी 2010 में. फिर जून के बाद मैंने अक्टूबर में कंसीव कर लिया था, और अक्टूबर में मैंने कंसीव किया, दिसंबर में मेरा मिसकैरेज हो गया. बहुत बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत रोई थी, बहुत परेशानी आई थी. मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत रोती थी मैं. तो फिर मुझे लगा कि मतलब जब जैसे मेरी मम्मी मम्मी ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, दोबारा कंसीव कर लोगे, आप यकीन मानोगे कि मुझे उसके बाद कंसीव करने में 2 साल लग गए. 2 साल. और ये बात है 2012, ठीक है, में मेरा बेटा हुआ था. तो मेरे को 10 से 12 2 साल लगे कंसीव करने में. तो वो जो 2 साल का जो पीरियड था ना, मेरे लिए मतलब लाइफ का बहुत यादगार पीरियड है मेरे लिए. क्योंकि हर महीने किट लाना और फिर ये चेक करना कि शायद मे भी अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ. क्योंकि कोई बोलता था कि गरम गरम चीज़ें मत खाओ, ठंडी चीज़ें खाओ, तो मैं ठंडी चीज़ें खाती थी. और सपोज़ आज मेरी 10 तारीख को डेट आनी है, तो मुझे 12 या 13 तारीख हो जाती थी, तो मेरे को लगता था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ. तो ऐसा होता कुछ भी नहीं था. ऐसे करके 2 साल निकल गए, और हर महीने मेरे को यही बस आस रहती थी. तो मेरे को ये लगता था कि यार मैं कभी माँ नहीं बनूँगी, मेरे कभी बच्चा होगा ही नहीं. मुझे ऐसा फील होता था. बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी. तो जब मैंने कंसीव किया ना, तो एक बार मतलब जिस मंथ में मुझे बिल्कुल भी आस नहीं थी कि मैं कंसीव कर सकती हूँ, उस महीने में उन दिनों में मैं अपने मायके में थी. तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है तो ऐसी हो सकती है, मेरे को तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड्स वाला दर्द हो रहा है, तो मेरे को तो डेट ही आएगी पक्का. मम्मी ने बोला कि जब 3 4 दिन ऊपर हो गए तो चेक कर ले. मुझे पता था कि कुछ नहीं होने वाला. फिर मैंने चेक किया तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया. मुझे यकीन ही नहीं हुआ. मतलब एक डार्क लाइन, एक लाइट लाइन, मुझे नहीं हुआ बिल्कुल भी यकीन. मैंने दोबारा किट लाई, दोबारा चेक किया, तभी भी मुझे यकीन नहीं हुआ. मैं 3 4 5 बार मैंने चेक किया उस दिन. और मतलब लाइफ की इतनी बड़ी खुशी मिली थी ना मुझे कि क्या ही बताऊँ आपको. तो जो भी निराश होता है ना, निराश मत हो, होप मत छोड़ो. बस यही है कि उस चीज़ के जितना बारे में हम सोचते हैं ना, वो चीज़ हमसे उतनी ही दूर भागती है. आगे का मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे फर्स्ट डिलीवरी में क्या हुआ था.